One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. मैंने मुकेश भाई से वादा किया है कि मेला खाली कराकर आपको पंडाल मुझे भरना है, ईश्वर करे मैं कामयाब हो जाऊं। चौथी लाइन ऐसी है कि आपकी तालियां उनको मेले से यहां पंडाल में लाएंगी। पेश करता हूं, सुन लो ऐ आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। देखिए फिर आप गलती कर रहे हैं, दर्शक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप पेमेंट जल्दी बिल्कुल ना करें। चौथी लाइन पर ही आपको ताली बजाना है, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख बहुत अच्छा फिल्म है, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत अच्छा सुना आपने, मुझे इतनी तो आपसे उम्मीद भी नहीं थी। एक बार दोनों जोरदार दोनों हाथ खड़े कर मुकेश भाई के लिए जोरदार ताले बजाइए। ये मुकेश शर्मा जी हैं, ये मैं यहाँ आया नहीं गया हूँ, मुझे वहां से उठवाया गया है। रात में रेहंद था, सोनभद्र था, एनटीपीसी कवि सम्मेलन में था, मुझे आदेश हो गया, फ्लाइट सुबह थी फिर वो शाम में कन्वर्ट हो गई, बस मैं आपके बीच चला आया। ईश्वर करे जो थकान है वो आप मेरी दूर कर दो, वो आपकी तालियां दूर करेंगी। पेश करता हूँ, सुन लो रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम। एक मतलब दो लाइन और पढ़ता हूं सुनेगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, लगे कि मैं नोएडा में खड़ा हूं, जिनके हाथों से निकाला जाए। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और ये दो लाइन मैं अगर यूं कहूं जो मुझे बहुत अजीज है, ईश्वर करे आपको भी अच्छी लगे, अपने इस देश को अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। शायरी इशारों का नाम है, मैं एक इशारा करता हूं, आदरणीय आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिए। अगर मैंने इशारा अगर आपने समझ लिया नोएडा वालों, तो तालियों का महोत्सव होगा, उत्सव नहीं, मुझे विश्वास है, ईश्वर करे आप मेरे इशारा समझ जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं, आप ताली बजा सकते हैं, नहीं अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। सुनेगा, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। मेरे कुछ नौजवान साथी बैठे हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो मेरे इंटरनेट से मेरे जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं मुझे हाशिम भाई को किस मूड से देख रहे हैं, बड़े नाराज़ है, गुस्से हैं। वो कह रहे हैं हाशिम भाई हमारे कोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
थोड़ा सा रुक जाओ, ये किसी और ने नोएडा वालों, ये मैंने ही कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तालियां कमजोर है, लाइन मेरी बड़ी थी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। नौजवानों, बहुत जहीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता, मुझे क्या मालूम कि आप अच्छी मिठाई कम खाते हैं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा, बहुत जहीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। और नोएडा के अच्छे लोगों, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरी दो लाइन एक तरफ, मैं चला जाऊंगा, मुझे विश्वास है आपको मेरी दो लाइन याद रहेंगी कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा, बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां भाई मुकेश साहब के लिए, उन्होंने मुझे सही जगह बुलाया है। मैं कितना भी थका हुआ मुकेश भाई, आपके लिए ऐसे कई आयोजन कर सकता हूं, यह अलग बात कि आप देश के हैं गद्दार, ताली बजाइए, जो मेरे देश मैं यकीन जानिए ये जो बैठे हैं ये सब लोग उम्र में भी बड़े हैं और शायरी में भी बड़े हैं, लेकिन ये सब जो मैं कब करता हूँ, मैं बहुत शरीफ था, मुझे बिगाड़ने में सब यही लोग शामिल थे। यकीन जानिए मैं जो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं सच बोलता हूँ, मैं बहुत शराफत से शायरी सुनाता था, अपना काम सिर्फ शायरी जानता था, लेकिन कवि सम्मेलन पढ़ना ये दीपक भैया ने, मुकेश भाई ने, ये कविता दीदी बैठे, इन लोगों ने सिखाया। एक बार मैं जो कुछ भी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत बढ़िया भाई हसीम भाई, क्या कहने, जिंदाबाद। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं, आप अगर चाहें तो वापस मेले में जाकर देख सकते हैं, मेला खाली है, पंडाल भर चुका है। मैं ये बात इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे लिफाफे में वजन भी बढ़ जाएगा, जो मेरा पेमेंट करे मुकेश भाई वो और भारी हो सकता है, मैं उनको जो तय था मैंने वो सब करके बता दिया है, बहुत शुक्रिया। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कौन अपने हाथों को रोक पाता है। यहाँ हर बेटी सीता है। नोएडा वालों, जब जब मैं किसी कवि सम्मेलन मुशायरे पहुंचा, अकेला पहुंचा, कभी मेरी फैमिली नहीं पहुंची, मेरे घर से मेरी भाभी, बड़ी भाभी आई हैं, उनको बताओ कि आप हाशिम से कितनी मोहब्बत करते हो। पेश करता, सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान। बहुत अच्छे हसीम भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। फिर से तो आप डांट क्यों, उन्हें पढ़ तो रहा हूं, आप डांट क्यों? अगर आप सुनना चाहते हैं तो अभी एक जोरदार ताली मिलाकर मुझे बताएं कि मैं फिर से पढ़ लूं। बहुत बढ़िया आपसी भाई, वाह धन्यवाद। सुनिएगा, यहाँ हर बेटी सी मरियम है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे।
और पढ़ता हूं। पढ़ दूं क्या? मुझे लग रहा है आप थक गए। सुनिएगा, बहुत बढ़िया। यहां जन्नत का नजारा है। एक मुल्क पागल है, बेवकूफ है, अक्सर कहता है कि कश्मीर चाहिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, और लोग बताएंगे उसका नाम, मैं नाम बताना नहीं चाहता। यकीन जानिए, देखिए कोई और बताए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं हाशिम फिरोजाबादी गणेश उत्सव में खड़े होकर कह रहा हूं, कल अगर मीडिया यहां मौजूद है, मेरी शायरी को कल अखबार में जगह दे ना दे, मेरे इस बयान को जगह दे, जो इस मुल्क में रहकर इस मुल्क के खिलाफ बोले या इस मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, वो कोई हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ये बयान मैंने आपको खुश करने के लिए नहीं दिया है, आपसे तालियां बजवाने के लिए नहीं दिया है। रियलिटी ये है नोएडा के अच्छे लोगों, मुसलमान वो जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की माने, जिसके रसूल ने कहा हो कि आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, अगर आप वुजू बना रहे हैं, अगर नमाज के लिए वुजू बना रहे हैं, तो जिसके रसूल आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत ना दे रहा हो, वो आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। बंद पेश करता हूं, अगर आपने अच्छा सुन लिया ये बंद, तो आपको एक छोटी सी नज़्म और सुनाऊंगा, सुनेगा खास तौर से। बंद पेश करता हूं। यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है के बहती प्यार की धारा है, यहां जन्नत का नजारा है के बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। यहां जन्नत का नजारा है के बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान खूब है जाना, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया उनसे कम चमकती, इनसे कम चमकती है। सुनिएगा, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। ताली बजाइए।